हेलो, आदाब, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। इसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग बिल्कुल चौंक गए होंगे कि आज हम लाइव अचानक आ चुके हैं, है ना। अचानक लाइव आ गए तो उसकी वजह यह है कि हम एक पेंटिंग बना रहे हैं म्यूरल में, और वो पेंटिंग हम आपके सामने ही कंप्लीट करेंगे। ऑर्डर वर्क वो मेरा काम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो पेंटिंग मैं आपके सामने ही बनाऊँ, और वो पेंटिंग इस प्लाई के ऊपर बनाएंगे। काफ़ी बड़ा बोर्ड है ये, आपको बताना चाहेंगे ये 48 इंच है। इंची टेप भी लीजिएगा उधर से, ऐसे 48 इंच है और इधर से है 42 इंच। ओके, तो इसको हम आज बेस बनाएंगे और इसको स्टेप बाई स्टेप हम इसको बनाएंगे, आपके सामने ही कम्प्लीट करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि इसको बनाने के लिए हमेशा किसी भी टाइम में हम आ जाएंगे लाइव। वो हमारा वो जो 2:30 बजे वाला टाइम ऐसा नहीं है, आज वैसे हम आ गए हैं कि इस टाइम हम आते हैं, बट ऐसा बात नहीं है। ओके ना, तो एक मिनट आपको हम दिखा देते हैं ये हमारा साइज क्या है। ये देखिए, ये 42 इंच है। ओके, 42 इंच, ये भी हम आपको साइज दिखाते हैं। ये साइज है 47 साइज है ये, है ना। तो इसको आज हम बेस करेंगे, और इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि मात्र हम इसमें दो ही मटेरियल यूज करेंगे, मार्बल पाउडर और फेविकोल। ओके, तो ये हमारे मार्बल पाउडर हो गए, नहीं फेविकोल हो गए। ओके, और ये हमारे पास है मार्बल पाउडर। ये देखेंगे कि हमने इसमें भर रखा है, मार्बल पाउडर है ये। ओके, तो इसका हम पेस्ट बनाएंगे। ओके प्लीज, तो इसके लिए एक मजबूत टाइप का हमें, वेलकम संदीप चौधरी, वेलकम। आज हम आपसे काफी दूर हैं, इसलिए थोड़ा सा कमेंट को हम ठीक से देख नहीं पा रहे हैं वो, लेकिन आवाज हमारी क्लियर आप तक पहुंच रही होगी। वेलकम संदीप, एक मिनट, थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, लेकिन इससे आगे नहीं आ सकते, काफी दूर है। ओके, वेलकम अर्जुन, वेलकम कल्पना गुप्ता, वेलकम विराज सक्सेना, वेलकम रश्मि श्रॉफ, वेलकम नंदिनी शैलेश पांड्या, वेलकम श्रेया कुमारी, वेलकम ममता छोबरे। ओके, तो हम इसको पहले पेस्ट बनाएंगे, है ना। तो पेस्ट बनाने के लिए हम इस बर्तन में डालते हैं फेविकोल। ओके, ये म्यूरल पेंटिंग है और ये हम आपके सामने ही कंप्लीट करेंगे, और ये ऑर्डर वर्क हमारा काम है, तो हमने यही सोचा कि आपके सामने ही इसको हम बनाएं, है ना। तो हमने ये देखिए फेविकोल ही डाल रहे हैं। ओके, पूरा एक बोतल मैंने डाल दिया है क्योंकि ये काफी बड़ा है। आप एक फोन आ गया था, हम नंबर को बंद करना भूल गए, आगे से इस बात का ध्यान देंगे। तो खैर, दिक्कत तो वाला बात नहीं है। तो हम इसमें ये हम पाउडर डाल रहे हैं, बस हम मार्बल पाउडर ही डाल रहे हैं। आपको बता रहे हैं हम एक ही चीज डाल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। इसमें हम चौक मिट्टी डालेंगे, फ्रेंच पाउडर डालेंगे, टेलकम पाउडर डालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक ही पाउडर डाल रहे हैं। इसलिए हम आपको स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि मैं एक ही डालना हूं, इसलिए आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना होंगे। ओके, तो आज हम इसका बेस तैयार हम करेंगे। ओके ना, तो बेस हम इसको तैयार करेंगे, और इसको बेस इसको तैयार कैसे करते हैं ये भी आप सीखेंगे, जानेंगे, और हम अब रोज आपके लिए लाइव आएंगे इसको बनाने के लिए, इस पेंटिंग को बनाने के लिए। और वो हम लाइव कब आएंगे ये मुझे भी नहीं पता है। बाकी जो हमारा जो शनिवार और रविवार वाला टाइम है वो फिक्स है, उसमें तो हम लाइव आएंगे ये, लेकिन ये इसका टाइम का हमारा वो नहीं है। जब इच्छा होगा तब हम आ जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा एक और पेंटिंग हम कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। तो
जब इच्छा करेगा हम लाइव आ जाएंगे। तो इसको हम मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के लिए इसको हाथ में इसको मिक्स करके ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम सबसे पहले करते हैं क्या कि हम ये किसी का हेल्प हम वो लेते हैं, हाथ में थोड़ा दिक्कत है वैसे, इसको मिक्स कीजिए आराम से। तब तक हम दूसरा इसका प्रोसेस हम करते हैं। इसके लिए आपको करना है क्या कि जो भी नया अगर आप अगर प्लाई लेते हैं, ओके, जो भी नया वाला अगर कोई प्लाई लेते हैं तो सबसे पहले आपको करना है क्या, ये रेग मार से थोड़ा सा आपको जो इसकी जो फिनिशिंग होती है ना, रफ होता है, वो घिसना होता है, इसलिए हम इसको रफनेस को समाप्त करेंगे, ओके। और रफनेस को समाप्त करने के लिए इसको हम घिसेंगे। और ये म्यूरल पेंटिंग आपको बता रहे हैं, ये काफी इम्बोज में उठेगा, इतना इम्बोज करके उठाना है, इतना मोटा वो काफी, और अच्छा लगेगा आप लोग को, सीखने के लिए भी मिलेगा, और हमारी यही कोशिश होती है कि आप लोग सीखिए। तो ये मैंने रेगमार को ऐसे किया और ये हल्के हल्के हाथ से इसको घिसने से होता है क्या, इसकी जो रफनेस होता है ना वो खत्म हो जाता है, ओके। तो रफनेस को आपको खत्म आपको करना होगा। अच्छा एक बात आप लोग बताइए, आप लोग हमारे लाइव में तो हमेशा आते रहते हैं, क्या पहले के मुकाबले आज हमारी आवाज बिल्कुल क्लियर है आपके लिए, और डालिए या वैसे ही आवाज है जो हम बोल रहे हैं, आवाज की जो क्वालिटी होती है वो क्या पहले से बेटर है या सेम है, आप लोग बताइए। अगर वो बेटर है तो अच्छा वाला बात है, नहीं आप लिख के बताइए क्या बेटर है पहले से या बेटर है, ओके। सर जी ऋषि नगर नमस्ते, इसको हम घिस रहे हैं, ये इसको हम घिस दिए हैं, बेटर है, ओके ओके, वेरी क्लियर टुडे, ओके ओके ओके। हाँ तो जब क्लियर है तो बेटर है, उसकी वजह यह है कि मैंने एक कान में फुलतुर सा लगा लिया हूँ, एक आता है बिकता है, बड़ी महंगा बिकता है, तो हमारे घर के मेंबर को इच्छा था कि आप ये लगाइए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, हमने कहा ठीक है लगा लेते हैं, तो वही हमने दोनों कान में लगा लिया है कि हम अगर गैलरी में भी जाके अगर कुछ बोलेंगे तो आपको सुनाई दे, है ना। ये देखिए इसको आपको घिस देना है, और वो घिसने के बाद आपको करना है क्या, ब्रश से या कपड़ा से इसको साफ कर देना है, ऐसे ऐसे, ठीक है, साफ इसको आप करेंगे। और इसको हम बेस बनाने के लिए हम दो तीन बातें आपको बताएंगे जो आप लोग को जानना जरूरी है, है ना। ये लेकिन एक बात और हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि वेलकम तरुण राजेश्वरी के त्यागी, अलग अलग मटेरियल में जब हम म्यूरल बनाते हैं तो सबका अलग अलग बेस बनाने का वो टेक्निक होता है और तरीका होता है वो, लेकिन हम जो आज इसमें जो हम वर्क कर रहे हैं उसमें मात्र हमें दो ही मटेरियल मैंने यूज करना है शुरू से लेकर लास्ट तक, मार्बल पाउडर और फेविकोल, ओके। तो ये हमारा बेस होने के लिए रेडी है, और जब ये रेडी है तो इसको एक मिनट तो दिखाइए, सब डाल दीजिए। तब तक हम आपसे बातें कर लेते हैं। वेलकम मधु सरस्वती, वेलकम प्रमिला। साइज क्या है बोर्ड का, अभी मैंने बताया तो था, ये साइज जो है एक बार और आप लोग के लिए हम माप देते हैं, ओके। ये देखिए ये हम यहां से इसको पकड़ लेते हैं,
ये देखिए कितना है, 42 इंच। ओके 42 इंच, ओके उल्टा आपको दिख रहा होगा, ये इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो है 47, इतनी बड़ी है ये देखिए 47। आप वो देख सकते हैं इतनी बड़ी ये है ना ये। ओके वेलकम अनुराधा जायसवाल। तो आज हम इसका बेस हम आपके सामने बनाएंगे, फिर जो नेक्स्ट वाला होगा ना इसका हम कल इसकी ड्राइंग करेंगे और इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर आप लोग जरूर करें और डालिए पाउडर उसके अंदर में। और एक चीज आपको हम इम्पोर्टेंट बातें आपको बताना चाहेंगे कि बहुत से लोग हैं जो काम मलाई बातें हैं उनको दिक्कत होती है और उन्हें वो निगेटिव बातें लिख कर चले जाते हैं तो फेक आईडी से, तो खैर उसके लिए मुश्किल नहीं है। ओके आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं। 42x47 जी 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 वेलकम मयंका सिंह, वेलकम मयंका सिंह पीहू, वेलकम पीहू, वेलकम विनीता रंजन। तो आज हम इसका बेस आपके सामने ही बनाएंगे। परमिला जी अब हम रोज लाइव आएंगे, आप लाइव कितने बार आएंगे, 2-3 बार भी हो सकता है, जब इच्छा होगा ये हम बनाने के लिए आ जाएंगे। अच्छा कितना एमएम का है, ओके आपको एमएम भी हम आपको बताते हैं, 12 एमएम का है, ओके आधा इंच, ओके आधा इंच, आज सर बहुत खुश नजर आ रहे हैं, खुश होने के बहुत सारे रीजन है, ओके बहुत सारे रीजन है, रीजन ये भी है आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने ये फेसबुक आईडी है ना इसको फेसबुक वाले के तरफ से एकदम मोहर लगवा दिया, सर्टिफाई हो गया है कंफर्म, वो फेसबुक वाले आए थे हमारे घर पे कंफर्म करके गए हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत अब नहीं होगी कि हमारे वो फेसबुक से कोई छिड़खानी कर दे या मेरे ही नाम से वो आईडी बना दे, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ये सब हम आपके लिए हम कर रहे हैं जेन्युइन काम, कोई वाला काम नहीं कि ओके। तो अभी मटेरियल हमारा बन रहा है, हाथ में थोड़ा सा दिक्कत है इसलिए हम थोड़ा सा उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी हम आपके सामने ही करेंगे। हाँ 12 एमएम ही है क्योंकि ये साइज बड़ा है, अगर इससे बड़ा साइज में करते हैं तो आपको 24 एमएम का लेना पड़ेगा, ये मतलब 1 इंच। हाँ वाटर प्रूफ प्लाई, वाटर प्रूफ जो है बढ़िया क्वालिटी वाला आपको लेना है, ओके लो क्वालिटी वाला में होता है क्या कि दिक्कत हो जाता है, हम आपके लिए सब एकदम मजबूत वाला होता है ना कि मजबूती से कदम बढ़ाना सब कर रहे हैं इसीलिए। हो गया, हाँ लाइए 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 दे दीजिए, अब हम इसके ऊपर हम करेंगे। हाँ आभा अरोड़ा जी अब वेटनेस को हम कैसे आ गए, आपको बताना चाहेंगे कि हम रोज आएंगे, ठीक है रोज रोज आएंगे, तो ये मेरे पास स्पेचुला है, ओके और आने का वजह ये है आपको बताना चाहेंगे कि ये हमारा एक ऑर्डर है काफी दिन से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए हाँ रेशो क्या है, नैना बनवा जी बोल रहे हैं रेशो क्या है, तो रेशो आप लोग देखेंगे कि ये है, ये है ओके, इतना ही मोटा होगा, इसमें कोई वजन वाला बात नहीं है कि मैंने इसमें इतना तौल के डाला है चाहे इतना वजन मैंने किया है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, ये मार्बल पाउडर और फेविकोल ही है, ओके मार्बल पाउडर और फेविकोल ही है, इसलिए साइज क्या है बोर्ड का, साइज तो काफी बड़ा है, तो अब हम रोज लाइव आएंगे,
वो हमारा जो 2:30 बजे वाला टाइम है वो तो अलग टाइम है ना, उसमें हम आपको 8 तरीका आपको बताएंगे वो। लेकिन जो बिना दिन में आएंगे, जब इच्छा हुआ तब आ गए, ये हम पेंटिंग बनाने के लिए आएंगे और आपके सामने ही बनाएंगे। जब हम काम कर ही रहे हैं तो घर पे वैसे खाली हम करते हैं, हमने सोचा आपके लिए ही हम आ जाते हैं, इसलिए हम आपके लिए हम लाइव आ गए और आएंगे। अब वो आने का टाइम अभी हमसे आप लोग बिल्कुल नहीं लेंगे कि हम कितने बजे आएंगे, जब हमको इच्छा होगा तब हम आ जाएंगे, क्योंकि और भी हमारे साथ में वर्क है, ऑनलाइन की जो है क्लासेज है उसकी तैयारी चल रही है, बहुत सारे हमारे 8 आने वाले हैं, है ना, ये है। ओके, तो ये रेशो है इतनी मोटाई का। ओके, ये आप लोग देख ले कि ये थोड़ा ये जल्दी गिर जा रहा है, आसानी से भी नहीं आ रहा है और भी नहीं आ रहा है ना। तो अब हम इसको शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं क्या, इधर से ही हम शुरुआत करते हैं आपके पास से ये। ओके, हम नहीं, हम इधर हो जाते हैं, आप आपके तरफ से ना, नहीं ये इधर हो गया, हम इधर से शुरू करेंगे। आपको ऐसे आपको शुरू करना है, आपको हम बताते हैं कि जहां से आप स्पैचुला चला रहे हैं अपने हिसाब से उधर से ही आपको करना है, ये नहीं कि उल्टा या सीधा। तो हम इसमें स्पैचुला जो है ना, जो बड़ा वाला साइज है वो हम चलाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास 2 किस्म का स्पैचुला है, छोटा और बड़ा। तो सबसे बड़ा वाला हम यूज करेंगे, छोटा वाला यूज नहीं करेंगे। ओके, तो अभी आप देखेंगे कि हम ये इसके ऊपर हम लगा दिए, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ आपको दिखा दिखा के हम काम करेंगे। ये देखिए हम इसके ऊपर इस स्पैचुला चला रहे हैं। ओके, तो आप लोग सीखते रहिए। ओके, ये एक बार आपको इसके ऊपर आपको लगा कर, ठीक है ना, एक बार इसको ऊपर मटेरियल आपको लगा करके, और एक बार आप लोग वीडियो को जरूर आगे तक फैला दें ताकि लोगों को भी फायदा मिल सके, और नेक्स्ट टाइम में हम इसके ऊपर ड्राइंग करेंगे। ओके, ये देखिए इसको आपको अगर बराबर करना है, इसमें अगर टेक्सचर देना है टेक्सचर, तो ये मटेरियल थोड़ा सा आपको गाढ़ा करना पड़ेगा अगर इम्बोज ज्यादा रखना है तो। ओके, तो हमें इसको इम्बोज ज्यादा नहीं रखना है, तो इसको हमें कम ही रखना है, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट इसको हाथ आपको ऐसे चलाना है। ओके, ये ऐसे ऐसे लेफ्ट हाथ इसको आपको चलाना है, इसमें आपको थोड़ा सा इसको इसको प्लेन ही रखना है, यानी कहने का मतलब ये है कि हमें जैसा पेंटिंग चाहिए उस हिसाब से ही हमको वर्क करना है ना। और हमारा भी एक गणेशा का क्लासेज है, बहुत से लोगों का ये है कि सर उसको मोल्ड से निकाल के सिखाएंगे क्या, तो ऐसा नहीं है, आप फ्री हैंड ही आप बनाएंगे। ओके, फ्री हैंड ही आपसे बनवाएंगे, और हमारी यही कोशिश होती है कि आप लोग के लिए जो हम जो ट्रिक लाए बिल्कुल आसान तरीका वाला और बिल्कुल नया ट्रिक हो, तो आपको इस आर्ट में भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप लोग बस दिक्कत यह है कि हमारा इसको करने के लिए वो टाइम कोई फिक्स नहीं है कि मैं आऊंगा कब। अगर आप लोग बोले तो मैं आधा घंटा पहले हम आपको टाइम लिख के हम डाल दें, बताइए आप लोग। और जिनको गणेशा सीखना है वो अभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पता है क्या, क्योंकि आपको सीखना है तो उसके लिए मटेरियल भी इंतजाम आपको करना पड़ेगा, तो अभी से ज्वाइन आप लोग कर लेंगे ना तो मटेरियल लिस्ट आपको दे दिया जाएगा, और फिर अपना मटेरियल लेकर के आप उस पर अपना
कर सकते हैं, ये हटाओ। सर टेल अगेन अबाउट पेस्ट, तनु गोयल जी बोल रही हैं, अभी तो मैंने पेस्ट आपके सामने बनाया है और अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से आप देखेंगे। अगर ज्यादा बड़ा स्टॉप देना है तो लंबा हाथ आप चलाएंगे, ओके, लंबा हाथ आपको चलाना है आड़ा तीर से, ओके एकदम। अगर छोटा देना है तो छोटा छोटा, ये देखिए छोटा छोटा हाथ आपको चलाना है। तो ये हुआ स्ट्रोक की बात, ये लेकिन जो मटेरियल है सब जगह बराबर लगेगा, लकड़ी दिखाई देना नहीं चाहिए, अगर वो देता भी है तो दिक्कत वाला भी जाता है, तो दिक्कत नहीं है, मैं लिख दूं, ओके। तब यही बात है ना कि अब इसको बनाना है तो हम लेट नाइट भी आ सकते हैं, है ना, और वो लेट नाइट आएंगे तो फिर, क्योंकि और भी हमारे पास वर्क है उसको भी कंप्लीट करना है, इन लोगों को दिवाली से पहले ही काम चाहिए। अब जो घर वाला ऑर्डर है तो हम चाहते हैं कि आपके सामने ही हम इसको निपटा दें, और जो होता है कि अगर बाहर का काम है तो वहीं पे जाके करना होता है ना, ये है कि अभी थोड़ा सा करने में इतना टाइम लग गया है ना। अंजू बेमरा क्या है, बेनबंसी जी बोल रही है कि इन्फॉर्म कर दें, अच्छा ठीक है, आगे आधा घंटा पहले हम नोटिफिकेशन डाल देंगे और आप लोग ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए हमने ये किया, अब इसको थोड़ा आगे हम करते हैं इसको करने के लिए, है ना, तो हम एक साइड से इसको करते हुए इधर की तरफ आएंगे क्योंकि हमारा हाथ ऐसे चल रहा है, ओके, इसलिए लग गया। अब और आप इतनी दूर है कि आपका कमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए आप लोग से हम लास्ट में 5 मिनट बाद हम करेंगे, जो भी आपको जानकारी चाहिए तो हम आपको जानकारी इस पेंटिंग से संबंधित आपको देंगे। अब इसको सूखने में, अगर इसको मैं धूप में रख दूं तो 3-4 घंटे में सूख जाएगा, अगर ये पंखा में रहेगा तो कम से कम 7-8 घंटा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो धूप में एकाएक रखने से ये हल्का सा आपका फट सकता है, तो इसको हम धूप में न रख के इसको हम छांव में ही रखेंगे, और जल्दबाजी वैसे भी नहीं है, अभी इसके ऊपर हमको ड्राइंग करना है, तो इसको ऊपर ड्राइंग जो हम करेंगे कल करेंगे, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा हम आगे आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि इधर वाला पार्ट हमारा हो गया है, है ना। इस वाला स्पेचुला से आपको बताना चाहेंगे कि मैंने एक एक दिन में 1,000 स्क्वायर फुट एरिया पे मैंने ऐसा टेक्सचर का काम किया है, 1,000 स्क्वायर फुट, ओके, यानी 100 फुट लंबा बाई 10 फुट ऐसे 1,000 फुट में इतनी स्पीड में। हाँ ये होता है क्या कि ये सबको करने के लिए जो मटेरियल बनाने वाले दो बंदे होते हैं फटाफट करते हैं, वो मटेरियल बना के हमको देते हैं और मैं फटाफट इसमें हाथ में मैं चलाते रहता हूं, इसलिए जल्दी होता है, और हमेशा मटेरियल आप बनाएंगे थोड़ा सा ज्यादा ही बनाएंगे ताकि थोड़ा सा बच जाए, वो बेटर है, क्योंकि अगर आप उस टाइम रेडी नहीं रखते हैं तो थोड़ा सा वो सूखने लगता है और उसमें एक वो आ जाता है, कट आ जाता है। ममता जी, ममता नाम लिखा हुआ है दिख रहा है, आगे का दिख नहीं रहा है। और अगले साल के लिए तो आपके लिए बहुत सारा सरप्राइज है, एक से एक सरप्राइज, और वैसे भी इस वाले महीना में बहुत अच्छे अच्छे आर्ट मैं लेकर आ रहा हूँ, बिल्कुल यूनिक यूनिक बढ़िया बढ़िया,
जो अब तक ऑनलाइन में वो कोई लेकर नहीं आया है, इतना मैं आपको बोलूंगा। और जिनको रेजिन आर्ट सीखना है वो भी हम लेकर आ रहे हैं, वो हमारी जो खुशबू मैडम है वो लेकर आएंगी, ठीक है, और वो लाइव आएंगे, कल आएंगे, ओके। तो रेजिन आर्ट बिल्कुल सस्ते फीस में आप अगर सीखना चाहते हैं तो उनसे सीख सकते हैं, उनको उनको भी अच्छा खासा नॉलेज है। अब बाकी रेजिन आर्ट हम भी लेकर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब कुछ जल्दी जल्दी अच्छा नहीं लगता है ना। इसको थोड़ा और हम आगे कर देते हैं, अब थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है ना। याद रहे कि जो भी आप स्ट्रोक आप इस पे आप चलाते हैं हाथ से ऐसे, उसका साइज एक ही होना चाहिए। अगर ऐसे ऐसे, अगर ऐसे ऐसे नहीं, ओके, सीधा सीधा नहीं, आड़ा तिरछा ऐसे, लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे, और एक ही टाइप में, तो फिर वो ज्यादा अच्छा रहता है। स्ट्रोक का जो है साइज है वो भी सेम रखेंगे, यानी एक साइज जो आप अगर चला रहे हैं वही साइज सब में आपको करना है, ओके। आपके जो भी क्वेश्चन है उसका हम जवाब देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा 10 मिनट आप रुक जाइए, अभी हम आपके कमेंट को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, माफी चाहते हैं। और जिनको गणेशा का क्लास ज्वाइन करनी है, इसी वीडियो के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस लिंक के सहारे जाकर और भी डिटेल आप वहां से ले सकते हैं। और हमारा YouTube चैनल भी है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल को भी लोग बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब तक 2800 से ज़्यादा लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, और ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। और आने वाला शनिवार और रविवार को एक आर्ट ट्रिक एकदम डिफरेंट लेकर आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर गजब वाला आर्ट ट्रिक, बिल्कुल नया। अब यहां पे इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, इधर इधर जाइए, है ना, इधर हमने ये कर दिया, तो आगे आगे करके जो मटेरियल आप बनाएं है ना वो मजबूत वाला आपके पास वो पॉट होना चाहिए, जो प्लास्टिक वाला में वो ज़्यादा मटेरियल अच्छा से आता नहीं है, मिक्स होता नहीं है, इसलिए स्टील अलमुनियम का अगर कोई अच्छा सा वो पॉट हो तो आप उसमें इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। वेलकम रामा, रीमा अग्रवाल, इसको बेस बनाने में भी टाइम लगता है, ओके, इसलिए
आप लोग आराम से बनाइए। तो खैर काफी बड़ा साइज है, और एक बार मैं कैमरा को भी आगे करके आपको दिखा दूंगा, है ना, कि मैंने किया कैसा। वो कैमरा को उठा के सामने से आपको घुमा के दिखाऊंगा। ओके सर, ये क्या मटेरियल मिक्स किए हैं सब कुछ बताएंगे, डोंट वरी, आप लोग इंतजार कीजिए। अरे जब हम लाइव आके आपको बता रहे हैं तो बताएंगे जरूर। ओके अगर लाइव आके अगर हम कोई चीज अगर आपको बता रहे हैं तो पूरी डेफिनेशन बताएंगे, अगर उसकी मैं क्लासेज में लेकर आ रहा हूं तो उसके बारे में नहीं बताएंगे, है ना। इसीलिए मैं जो 2:30 बजे आता हूं, आपको भी पता है ना, कि मैं आ करके। हाँ, मार्बल पाउडर और फेविकोल, हाँ, जो पहले से इस वीडियो को देख रहे हैं वो आंसर दे सकते हैं, जो नए लोग आए हैं उनको उनको भी अच्छा लगेगा, और हमको भी बार बार एक ही बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि मार्बल पाउडर का ऑप्शन मटेरियल मैंने ढूंढ निकाला है, और इसी महीने में उसका भी क्लास आ रहा है। ओके, इसी महीना में, कि आप लोग मार्बल पाउडर को लेकर बहुत ज्यादा ही परेशान रहे हैं आप लोग, मार्बल पाउडर मार्बल पाउडर, और लोगों ने लूटा भी है खूब, 200 रुपये किलो 300 रुपये किलो, है ना, जो एकदम रद्दी के भाव आता है ये मार्बल पाउडर। रद्दी का भाव का मतलब 10 कम भाव का आता है, ये बिल्कुल ही सस्ता आता है वो, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को 10 रुपये केजी के भाव से ही देता हूं। ओके, आपको बताना चाहेंगे कि जो सिरेमिक जो पाउडर के लिए भी लोग बोलते हैं ना, उसके भी अलग अलग वो चीज आते हैं, ठीक है। कुछ ये सिरेमिक पाउडर जो चीनी मिट्टी का जो पॉट बनाते हैं उसमें भी उसको इस्तेमाल करते हैं, और ये सब अगर वो देखा जाए तो लगभग में सेम ही है। अलग अलग नाम से, और उसमें हल्का हल्का मटेरियल हल्का सा मिक्स करके वो अपना वो बेच देते हैं। व्हाइट सीमेंट अलग है, ठीक है, व्हाइट सीमेंट जैसे ब्लैक सीमेंट होता है ना, वैसे व्हाइट सीमेंट हो गया। और ये जो बनाया जाता है केमिकल डाल के बनाया जाता है। ओके, MR फेविकोल, रितु खरे जी, MR फेविकोल ही मैंने इसमें मिक्स किया है, और ये लगभग में आपको हमारा बेस ही कंप्लीट होने वाला है। तो अच्छा, आप लोग को दिख नहीं रहा है ना कि हम स्पैचुला चला कैसे रहे हैं ना, तो हाँ, तो आप लोग को दिखाने के लिए आए हैं हम यहाँ पे। एक इसमें फायदा यह है कि हम अपने जो टेबल है ना उसको लेफ्ट राइट हम मोड़ सकते हैं, एक फायदा ये है। वो क्योंकि लाइव हम आ रहे हैं तो आप लोग के लिए ये सब दिखाना बेहद ही जरूरी है ना। और एक बात आपको बताना चाहेंगे, इसमें हम कोई कंफ्यूजन वाला बात आपको बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जो बात होगी वही बोलेंगे। सर, चॉक पाउडर भी यूज कर सकते हैं क्या? इसमें नहीं आप यूज कर सकते हैं, हम इसमें बस दो ही मटेरियल से वर्क हम करने वाले हैं। ओके, ज्यादा कुछ नहीं। और बहुत ही अच्छा से बनेगा ये, बहुत ही सुंदर से बनेगा। तो आज तो इसका बेस बन रहा है, कल इसमें हम ड्राइंग अपना करेंगे, और इसका जो फर्स्ट भाग है वो करना हम शुरू करेंगे। और ये आर्ट से आपको बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, है ना। ओके ना सर, प्लीज आपका फोन ऊपर की तरफ पकड़ लिया है,
ऊपर की तरफ पकड़ लिया है मतलब। अरे ये चक्कर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ा बोर्ड है इसलिए थोड़ा सा फोन है ना, अभी हम आपको फोन को उठा के दिखाएंगे आपको। ओके, फोन को उठा के आपको दिखाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, एकदम इसके ऊपर घुमा के दिखाएंगे। बस एक मिनट रुक जाइए, ये हमारा कंप्लीट होने दीजिए। ओके, इसको ढक्कन से ढक दीजिए, इसको इसका काम हो गया। ये नहीं, हमारे घर के लोग बहुत ही अच्छे हैं, हमारे जब भी हम लाइव आते हैं ना बहुत ही हेल्प करते हैं, इन लोग का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि इतना हमको हेल्प करते हैं। ये देखिए मैंने ये बना दिया है, अब थोड़ा सा हाथ धो करके हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं और इसको भी हम हटा देते हैं। ओके, और थोड़ा सा मुझे हाथ धोना पड़ेगा, तो हाथ देखिए हम कितना दूर आपके पास हो गए हैं ना, इतनी बड़ी पेंटिंग है कि मैं आपसे इतना दूर हो गया हूँ, है ना गजब वाली बात। आपके कमेंट देख नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए हमको जूम करने वाला है चश्मा पहनना पड़ेगा, जो सीधा ऐसे क्यों करेंगे जूम, DSLR की तरह, है ना। वेलकम चांदनी, आने वाले टाइम में हमारे पिक्चर की जो क्वालिटी है ना और सुंदर होगा। ओके, आने वाले टाइम में बहुत ही सुंदर आपको दिखाई देगा हमारा लाइव। ओके, तो ये मैंने ये कर लिया है और आपको दिखाते हैं कि मैंने किया कैसे। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम उठाते हैं इस कैमरा को। ओके, ओहो, और इसका जो क्या बोलते हैं कैमरा को जो है ना वो लेंस को हम थोड़ा सा इधर करते हैं आगे की तरफ। ये लीजिए आगे की तरफ ये हो गया, तो ये मैंने किया है बेस। ओके, अब घर में काम करते हैं तो आपको भी पता है कि घर में चप्पल नहीं पहन सकते हैं, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ही माइंड नहीं करेंगे कि मेरे चप्पल नहीं पहना है ना। ओके, तो ये है, ये टेक्चर है, देख रहे हैं ना, ये सब कुछ ऐसा आपको दिखाना होगा। वेलकम रीमा जी। ओके, ये टेक्चर, मैंने मार्बल पाउडर और फेविकोल ही यूज किया है, आपको दिखाते हैं कि ये हमारे पास ये मार्बल पाउडर है। ओके, ये मार्बल पाउडर है, ठीक है ना, और ये हमारे जो प्यारे जो फेविकोल हैं, ओके, MR वाले, है ना। तो सेम मार्बल पाउडर है या और फेविकोल, ये फेविकोल ही है, MR फेविकोल ही है। ओके, वेलकम शोभना सक्सेना, लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं मतलब। ओके, लोग क्या बोलते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो मिसगाइड करते हैं, उनसे भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपना काम करना है और आप लोग को अच्छा सजेस्ट करना है। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा हम इसमें लगा देते हैं, आ जाओ, है ना। अब हम आपके सामने इस कैमरा को थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, हम बात यहीं से कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको आगे भी हम कर लेते हैं। आप बताइए, हम आपके कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं,
बोर्ड का साइज क्या है ऋतु खरा जी? बोर्ड का साइज है 47 इंच बाई 42 इंच, जो मैंने दो बार माप के दिखाया है आपको, ओके। और इसमें आपको बताना चाहेंगे कि मैंने बस दो ही पाउडर नहीं, दो ही मटेरियल मैंने यूज किया है, एक मार्बल पाउडर और एक फेविकोल। उसमें कोई मैंने चौक मिट्टी यूज नहीं किया, फ्रेंच पाउडर यूज नहीं किया। अब हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि इसमें चौक पाउडर डालने से थोड़ा सा स्मूथ होता है, ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बेस मजबूत बनाना है, तो ये मटेरियल सबसे परफेक्ट है, बेस्ट मटेरियल, ओके, बढ़िया वाला। वो कैसे मार्बल पाउडर होता है जिसमें ब्लैक डॉट होते हैं? मार्बल पाउडर आप जब मार्केट से लेते हैं तो जहां से मार्बल पाउडर आता है तो उसमें होता है क्या कि अलग अलग लॉट का माल होता है। अब आपको भी पता होगा कि जो मार्बल की एक चट्टान होता है, पहाड़ होता है, वो पहाड़ों से काट करके मार्बल पत्थर लाते हैं, और वो उसी की जब उसकी हम टाइल्स बनाते हैं मशीन के द्वारा, है ना, तो उसी का जो डस्ट होता है नीचे गिरता है, ये वही पाउडर है। इसी पाउडर को वो लोग बोरी में पैक करके, और आपको बताना चाहते हैं वो बोरी बिल्कुल ही सीमेंट वाली बोरी होती है, क्योंकि ये सस्ता आता है, ओके, सस्ता आता है, तो उसमें पैक करके वो जल्दी जल्दी में भेज देते हैं, और ये दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते बोरी का रेट हो जाता है 200 के आसपास, ओके, 100 के आसपास वो बोरी का रेट हो जाता है। लेकिन कुछ इसमें जो शातिर माइंड वाले हैं करते क्या है, बोरी लाके खोले और उसको एक बढ़िया सा सुंदर पन्नी में पैक करके डाल दिए, और उसका रेट हो गया 200 रुपए पर केजी, 100 रुपए पर केजी, 80 रुपए पर केजी, ओके, ये बात है। तो अगर आप लोग कहें तो ये हम भी काम फिर शुरू करते, अच्छा लगेगा, है, आप लोग लेंगे, बताइए, आप लोग मार्बल पाउडर हमसे 75 रुपए केजी के भाव से लेंगे तो बताइए, हम भी ये काम फिर हम शुरू करना चाहते हैं भाई, हमको भी पैसा अच्छा लगता है ना, यानी कहने का मतलब है कि पैसा सबको अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग लेने के लिए तैयार है तो फिर हम ये भी हम काम फिर शुरू करते हैं, बढ़िया से एक पन्नी लाएंगे और उस पर हमारा लोगो भी लगा रहेगा और बढ़िया से एकदम ब्रांड बन के जाएगा वो, है ना, कि वो मार्बल पाउडर ब्रांडेड कंपनी से आई है। आपको पता है कि जो गेहूं है चावल है, खेत वही है, किसान वही है ना, अलग अलग कंपनी ने उसको अगर खरीद लिया अपने नाम से उसको बेच रहा है तो ब्रांड हो गया, बस यही बात है और कोई बात नहीं है, ओके। वेलकम स्मिता राय, वेलकम श्वेता बरवा, वेलकम राज जैन। शोभना सक्सेना जी बोल रहे हैं कि हम मार्बल पाउडर बेचने वाला काम ना करें, तो हम अभी भी नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बात को हम इज्जत करते हैं और हम नहीं ये काम करेंगे, ओके। लोग बोले कि सर आप ऐसा नहीं करेंगे, हम अभी भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो हमसे जो रिलीफ आर्ट में कोई स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं, उनको हम 10 रुपए केजी के हिसाब से ही देते हैं, लेकिन उसमें भी हमको थोड़े पैसे बचते हैं, है ना, ज्यादा नहीं, थोड़े बचते हैं, चाहे 2 रुपया हो चाहे 5 रुपया हो, बचते हैं जरूर, लेकिन हम 10 रुपया रेट ही लेते हैं, है ना, वो क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप काम करने के लिए बैठ, ठीक है, हर कोई बैठा है, जेन्युइन लीजिए कि अगला आदमी को तकलीफ ना हो, है ना। और यहाँ पे हम आप लोग को ऐसी नेगेटिव बातें बोलने के लिए हम नहीं आए हैं, हम अच्छी बातें बोलने के लिए हम आपके सामने आए हैं, ये पेंटिंग बनाने के लिए आए हैं कि आप लोग भी देखिए कि पेंटिंग ये बनता कैसे है ना, ओके। वेलकम नीरू बिसेन, श्रद्धा अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि आप सेल करते हैं क्या? हम सेल नहीं करते, अपने स्टूडेंट को हम देते हैं, जो ज्वाइन किए हैं और चाहते हैं कि सर मटेरियल मिलता नहीं है तो हमको मटेरियल भेज दीजिए, तो उनको भेज देते हैं, है ना। प्रियंका जैन जी बोल रहे हैं कि रेशो बताएं, तो जो मैंने मटेरियल अभी मैंने बनाया है, आप स्टार्टिंग के 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि मैंने मटेरियल को दिखाया है ना, तो उसमें वो कितना मोटा है कितना पतला है आप अंदाजा कर सकते हैं, जैसे आप खुद का
जब रोटी का आटा आटा जब आप गूंथते हैं तो उसमें आप रेशो बता नहीं सकते हैं कि आपने 2 किलो आटा में कितना ग्राम पानी डाला है। ओके, अंदाजा होता है आपको, है ना। तो अंदाजा पे ही आप इतने हिसाब से कर लेते हैं कि हाँ ये इससे रोटी बिल्कुल नरम बनेगा या इससे अच्छा नहीं बनेगा, आप अपने हिसाब से उसको बना लेते हैं। तो वही इसमें भी है। वेलकम संजय अग्रवाल, वेलकम संजय। ओके, तो वही बात इसमें भी है। जब आप एक आध बार पेंटिंग आप इस चीज का बनाएंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि मोटा कितना है, पतला कितना है। अगर ज्यादा मोटा करेंगे तो ज्यादा रुखड़ा होगा, ज्यादा पतला करेंगे तो बैठ जाएगा, है ना। तो एक आध बार करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। जब आइडिया आ जाएगा तो आप फिर गलती नहीं करेंगे, है ना। वो जैसे आपको पता है रोटी बनाते हैं, ज्यादा उसको गर्म करते रहिए तो जलने लगता है ना, तुरंत उसको रोटी को पलट देते हैं ना। तो वैसे ही इसमें भी है, एक्सपीरियंस से ही सब कुछ आता है। सर बोर्ड छोटा बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, ये तो हमारे ऑर्डर का है तो मैं बड़ा बना रहा हूं। ओके, वेयर डू यू लाइव? अनु चौधरी जी वेलकम, वेलकम ईरा, वेलकम आर्यन, वेलकम परी, वेलकम नीता सा, हाँ स्मिता राय जी बोल रही है कि आपकी जो वीडियो है ना एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर है, और हमें उम्मीद है कि आज वाली जो हमारी जो वॉइस की जो क्वालिटी है, आवाज है ना क्लियर, वो भी क्लियर आ रही होगी। लेकिन इन फ्यूचर में आप बताएंगे ये पिक्चर क्वालिटी और भी सुंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं अपने वर्क पे काफी मैं ध्यान में वो दे रहा हूं कि जितना ज्यादा आप लोग के लिए मैं बेटर मैं काम कर सकूं उतना ही कम है मेरे लिए, इसके लिए वर्क जारी है। ओके, ये श्रद्धा जी बोल रही है कि क्या सिखा रहे हैं? तो अभी तो मैं ये म्यूरल पेंटिंग मैं बना रहा हूं प्लाई बोर्ड के ऊपर। ओके, और ये काफी बड़ा है, ऐसे इसकी लंबाई है 47 इंच, चौड़ाई है 42 इंच। ओके, एक बार वैसे सीख भी जाएगा ना तो अगर ये डाई हो जाएगा तो कल मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने बीच में साइज माप करके दिखाऊंगा ताकि आपको इसको पता चले। ओके, और एक बात और आपको बताना चाहें कि आजकल ऑनलाइन में बहुत सारे लोग जो है ना बहुत ही फ्रॉड कर रहे हैं, दूसरे का आर्ट लेकर आते हैं। ओके, और उसको अपने नाम से उसी के नाम से पोस्ट डालते हैं और बोलते हैं ज्वाइन कीजिए। तो आप लोग एक बार नंबर चेक जरूर करें। ओके, अकाउंट नंबर, पेटीएम नंबर, गूगल नंबर, जो भी है आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो अगर आप जिनका भी लाइव बार बार देखते हैं तो उनका नंबर भी आपको पता होगा, तो उनके नंबर से ही आप कॉन्टेक्ट करके उनके नंबर पे ही जो भी आपको अमाउंट आपको सेंड करना है आप उनसे आप कर सकते हैं, है ना। बाकी और किसी के झांसे में ना आए। और बहुत से ऐसे लोग करते हैं क्या, सबके ग्रुप में चले जाते हैं और वहां से स्टूडेंट सबके पूरी डेटा निकाल के लाते हैं और उनको पर्सनली कॉल करते हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल आप लोग सावधान रहें, ये लोग फ्रॉड है, आपसे पैसे ले लेंगे और आपको वर्क भी नहीं सिखाएगा। और हम यहाँ पे आप लोग को वर्क सिखाने के लिए आए हैं और वो भी जेन्युइन तरीके से, नो चीटिंग नो वो। ओके, जो भी बात होगा हम आपको सामने बताएंगे। अगर हम 26 तारीख से गणेशा की जो क्लास लेकर आ रहे हैं तो लेकर आ रहे हैं। ओके, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए गणेशा, और गणेशा भी हमारे बगल में ही है, इनको वैसे मैंने पैकिंग मैंने कर दिया है पन्नी में ताकि ये खराब ना हो। और ये नेचुरल क्ले से मैंने बनाया है और इसके साथ में छोटा गणेशा भी हम आपको सिखाएंगे। ओके, और ये क्ले को बेक हम नहीं करेंगे, बेक का मतलब उसको पकाना, आग में पकाना, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम आपको वो टेक्निक बताएंगे, तरीका बताएंगे, बिल्कुल परफेक्ट है, कभी वो मूर्ति आपका खराब नहीं होगा, निकलेगा नहीं, परमानेंट फिक्स रहेगा। ओके, नर्मदा छबड़िया जी बोल रही है कि फ्रेंच पाउडर और मार्बल पाउडर में डिफरेंट बताया। डिफरेंट ये है कि फ्रेंच पाउडर बिल्कुल ही बारीक होता है, जैसे नाइसिल पाउडर होता है ना सेम वैसा होता है वो, लेकिन जो मार्बल पाउडर होता है वो होता है आटा की तरह, यानी आटा की जितनी मोटाई होती है उतना ही उसकी मोटाई होती है। ओके, यही डिफरेंस है। जो है फ्रेंच पाउडर है
जो माइक्रो हॉल जो भरना होता है उसमें यूज होता है, और उसके भी अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं है। ओके सर, म्यूरल आर्ट कोई दिखा दीजिए। अभी गणेशा जी जो आपको दिखाए हैं वो म्यूरल आर्ट है, और ये हमारे बुद्धा जी हैं ये भी म्यूरल आर्ट है ना। देखिए कितनी शाइनिंग है, ये देखिए इम्बोज देखिए है ना, ये देखिए म्यूरल आर्ट है, म्यूरल आर्ट इम्बोज होता है। ओके तभी हमारे जो क्लासेज है रशियन आर्ट, रिलीफ मिरर आर्ट, बुद्धा और पोर्ट्रेट और गणेशा इसकी है। और वो कल हमारी वो खुशबू जी हैं, खुशबू अग्रवाल, वो आप लोग के लिए रेजिन आर्ट लेकर आएंगी। ओके रेजिन आर्ट का भी हम मिनिमम फीस रखेंगे जिससे आप लोग सीखेंगे, और उसका पूरा डेफिनेशन आपको बताया जाएगा, मटेरियल कहाँ पे मिलेगा, कितने का मिलेगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा कि आप खुद भी परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ओके और फिर इनके बाद हम भी लेकर आएंगे रेजिन आर्ट, बढ़िया वाला, बिल्कुल नया यूनिक वाला, जो अब तक आपको देखने के लिए नहीं मिला होगा। हम ऐसे ऐसे ही आर्ट लेकर आएंगे, और इस महीने में तो बहुत सारे आर्ट आने वाला है। माफ्रेज पाउडर सेल सिलकद्दी पाउडर होता है क्या, ये हम आपकी बात को नहीं समझे। वेलकम मारिया, वेलकम सिद्धार्थ पुरोहित, वेलकम मनु चौधरी। तो आज के लिए हम इस लाइव को यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अब कब मिलते हैं हम ये अब आपको बताएंगे नहीं, बाकी वो शनिवार रविवार का तो टाइम डेट फिक्स है, लेकिन इस आर्ट के लिए कभी भी आ सकते हैं लाइव। ओके और ये हम बनाएंगे, और बहुत से लोगों ने कहा है सर आप इसको करने के लिए टाइम बता दिया कीजिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आधा घंटा पहले हम पोस्ट डाल देंगे कि आई एम कमिंग। ओके और टाइम भी लिख देंगे कि इतने बजे। ओके ना, बाकी जो है शनिवार रविवार वो तो आपको परमानेंट फिक्स है, वो उसमें हम आर्ट ट्रिक लेकर आएंगे, बढ़िया बढ़िया आर्ट ट्रिक। अब ऐसे भी जो आर्ट ट्रिक जो लेकर आने वाले हैं वो गजब का है एकदम। मार्बल पाउडर नहीं मिल रहा है, सीमा सती सिंह बोल रही है, मार्बल पाउडर काहे नहीं मिल रहा है। आप एक बार अमेजन पर आप सर्च कीजिए, वहां पे भी ऐसे लोग हैं जो बेच रहे हैं, अच्छे रेट में बेच रहे हैं, उनके लिए अच्छा रेट है, बाकी आप लोग के लिए वो काफी महंगा है। ओके तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट आज तो नहीं कल किसी भी टाइम आऊंगा, और आऊंगा तो कल हम दो बार भी आ सकते हैं, क्योंकि ये पेंटिंग मुझे जल्दी से जल्दी बना के लोगों को देना है, लोगों के क्या ऑर्डर का है तो उनको देना है, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। और हम अगर किसी को अगर कमिटमेंट कर दिया तो उस पर जान जाए पर बचन न जाए, हमारे साथ ये बड़ी एक इसको क्या बोलेंगे विकट बीमारी, कि अगर किसी को जबान दे दी है तो मुकरे के नहीं, चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो। ओके ओके तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, और लाइव को यहीं पे हम फिर समाप्त करते हैं, और लाइव को फिनिश करने के लिए भी एक बंदे आएंगे, अभी लाइव को हमारे वो फिनिश करेंगे, बटन दबाएंगे तो लाइव वो समाप्त होगा है ना। तभी आ गए हैं लाइव का बटन दबाने के लिए, तो जय हिंद जय भारत।